तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का अपडेट तो आ ही चुका है और आप सभी को सारे चीट कोड भी मैंने बता दिए हैं कि हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के इस बार के अपडेट में कौन कौन से चीट कोड आए हैं। आई होप कि आपको सारे चीट कोड पता भी होंगे जो कि इस बार हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अपडेट में आए हैं। और काफी सारे लोग हैं जो कि नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता होता कि हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में अभी कितने सारे चीट कोड अवेलेबल हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ये नहीं पता कि हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में कौन सा चीट कोड डालने पर कौन सी कार आती है एंड सभी बाइक एंड कार का अपना एक यूनिक सा चीट कोड है। सो सारे के सारे चीट कोड आपको इस वीडियो में बताऊंगा और हाँ, कुछ यूनिक से चीट कोड हैं जिन्हें आप सीक्रेट चीट कोड भी बोल सकते हो, वो भी आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और हाँ, चैनल पर जो लोग पहली बार आओ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि पर्सनली मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को चीट कोड सारे पता चल सके। वैसे तो मैंने इस पर कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, बट मैं पर्सनली एक बार फिर से आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। चलो अब मैं आपको वो चीट कोड बताना स्टार्ट करता हूँ जो कि अभी हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको चीट कोड बताऊंगा यामाहा V-Max का, जो कि इस बार हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अपडेट में है। इसका कोड है 999। जैसे आप टाइप करोगे आपके सामने यामाहा V-Max आ जाएगी। अगला चीट कोड आप डालोगे यामाहा FZ10 का, उसका कोड है 888। जैसे आप 888 डालोगे कॉल करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी यामाहा FZ10। उसके बाद आपका नेक्स्ट कोड है डुगाटी डाइवल का। आप अपना फोन निकाल के उसमें टाइप करोगे 777, वैसे ही आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी डुगाटी डाइवल। उसके बाद आप नेक्स्ट कोड डालोगे बनेलिटी एंटी का, जिसका कोड है 666। जैसे आप यहाँ पर 666 तीन बार टाइप करोगे एंड उसके बाद आप डायल करोगे, वैसे ही आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी बनेलिटी एंटी। इन सभी बाइक का मैं आपको कलर चेंज करके भी दिखा देता हूँ। इस वीडियो में आपको बाइक का कलर चेंज करना भी पता चल जाएगा। इसके लिए आपको बाइक के जस्ट पास जाना होता है और गैलरी वाले ऑप्शन में क्लिक करना होता है और आप अपनी बाइक का कलर आसानी से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अपनी सभी बाइक का कलर चेंज करके आपको दिखाऊंगा एंड मैं अभी फिलहाल तो सिर्फ एक ही बाइक का कलर चेंज कर पा रहा हूँ। देन मैं इस बाइक के पास आता हूँ एंड देखो इसका भी बाइक कलर चेंज हो रहा है। एंड इसके पास जाता हूँ, देखो इसका भी कलर चेंज हो रहा है। एंड इस बाइक को छोड़कर वहाँ पर लास्ट बाइक बची है हमारी, इसका मैं कलर चेंज करके देख लेता हूँ। ये यामाहा V-Max है एंड इसका भी कलर चेंज हो रहा है। एंड इसका 3D मॉडल अवेलेबल, मतलब इसका कलर चेंज हो रहा है। एंड चलो मैं अगली बाइक है उसका कोड डालता हूँ। अगली बाइक हमारी ट्रोन बाइक है एंड जिसका कोड है 6000। और उसका कोड डालने के लिए आपको जाना होगा अपने कॉल वाले आइकन में एंड वहाँ पर टाइप करना होगा 6000। यहाँ पर मैं डालकर आपको दिखा देता हूँ 6000 एंड डायल करता हूँ। अभी आप देख सकते हो आपके सामने स्पॉन होके आ चुकी है आपकी ट्रोन बाइक एंड इसका मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो इसका कलर बड़ी आसानी के साथ मैं चेंज कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी बाइक है ZX10R एंड इसका कोड है 400। जैसे आप यहाँ पर 400 टाइप करोगे आपके सामने ZX10R बाइक आ जाएगी एंड इसका भी कलर बड़ी आसानी के साथ आप चेंज कर सकते हो। ये दूसरी बाइक का कलर चेंज हो रहा है, अब इसको मैं थोड़ा सा गिराता हूँ एंड उसके बाद मैं अपनी जो ZX10R बाइक है उसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखो अभी इसका भी कलर चेंज हो रहा है। एंड नेक्स्ट जो हमारी टू व्हीलर बाइक बोल सकते हो या फिर कुछ और बोल सकते हो, मतलब व्हीकल बोल दो इसे। देखो जैसे आप 111111 डायल करोगे वैसे ही आपके सामने आ जाएगी साइकिल, इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। देखो इसका कलर चेंज हो रहा है, हमारी बाइक का हो रहा है। इसको थोड़ा सा हटाते हैं एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कलर चेंज करके। देखो इसका कलर चेंज हो चुका है। एंड नेक्स्ट हमारी बाइक है ड्यूक 1290। जैसे आप यहाँ पर 888 टाइप करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी ड्यूक 1290। एंड अभी आप देख सकते हो आपकी ड्यूक 1290 कुछ ऐसी है एंड इसका भी आप कलर बड़ी ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर पा रहा हूँ। एंड उसके बाद आप यहाँ पर कोड डालोगे ड्यूक 200 का एंड उसका कोड है 777, मतलब 777 एंड स्पॉन होके आपके सामने आ जाएगी 200। एंड आप इसका कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आप जो भी कलर रखना चाहते हो वो रख सकते हो। एंड चलो अगली जो बाइक है उसे स्पॉन कराने के लिए हमें सबसे दूर जाना होगा क्योंकि वो बाइक सभी बाइक को ब्लास्ट कर देती है। देन हमारी अगली बाइक है गोस्ट राइडर बाइक एंड उसका कोड है 555555 एंड इसका भी कलर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर इसके पास आके आपको बस ये कलर गैली वाले ऑप्शन पे आके इसे कलर चेंज करना होगा, बस इसका कलर चेंज हो जाएगा। एंड अगली जो हमारी बाइक है वो एक्टिवा 4G एंड उसके लिए आपको कोड डालना होगा 0000 एंड को कॉल कर देना होगा, देन आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी एक्टिवा 4G। वो तो ब्लास्ट हो चुकी है हमारी जो गोस्ट राइडर बाइक है उससे। देन हम फिर से इसको स्पॉन कराएंगे एंड इसका कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं। अभी मैंने स्पॉन करा लिया आपकी एक्टिवा 4G एंड यहाँ पर देखो इसका कलर बड़ी आसानी के साथ आप चेंज कर सकते हो। एंड चलो नेक्स्ट बाइक हमारी है कावासाकी निंजा S2R, इसका कोड है
3000 आप 3000 टाइप करोगे आपके सामने आ जाए कि आप कावासाकी निंजा H2R। एंड अभी आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर की है और पर्सनली ये बाइक मुझे कब से सबसे ज्यादा पसंद है। एंड यहाँ पर देख सकते हो इसका भी कलर चेंज होता है। एंड जो हमारी नेक्स्ट बाइक है वो पल्सर RS200 है, उसका कोड है 5000। जैसे आप यहाँ पर 500 टाइप करोगे के सामने स्पॉन होकर आ जाएगी रेड कलर की पल्सर RS200। एंड इसका भी कलर चेंज करके आप देख सकते हो। फिलहाल तो मैं यहाँ पर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद अगली जो हमारी बाइक है वो है हायाबुसा। एंड हायाबुसा का कोड है 7000, मतलब 7000। जैसे आप यहाँ पर 7000 टाइप करोगे आपके सामने स्पॉन होकर आ जाएगी आपके हायाबुसा। एंड देख सकते हो इसका भी मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। मॉडल तो काफी तगड़ा है, यहाँ पर इसका भी कलर चेंज हो जाता है। मैंने इसका कलर व्हाइट कर दिया है। एंड अगली जो हमारी बाइक है वो है स्प्लेंडर। इसका कोड है 9000। जैसे आप 9000 डायल करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी स्प्लेंडर। बट इसका जो 3D मॉडल है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको चल के यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो मैं आ गया एंड गैली वाले ऑप्शन पे गया, देखो कलर चेंजिंग ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मतलब इसका 3D मॉडल अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। एंड चलो अगली बाइक है उसका कोड डालते हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट। एंड इसका कोड है 999, मतलब 9999। जैसे आप डालोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी रॉयल एनफील्ड बुलेट। एंड इसका भी कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ इसका 3D मॉडल अवेलेबल है। एंड अगली जो हमारी बाइक है वो है ATV क्वाड बाइक। एंड इसका कोड है 2222। जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी ATV क्वाड बाइक। एंड यहाँ पर आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो, बट इसका मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। देखो इसका भी कलर चेंज हो रहा, मतलब इसका भी 3D मॉडल अवेलेबल है। एंड अगली जो हमारी बाइक है वो है न्यू KTM। आपको यहाँ पर कोड डालना 1190। जैसे आप यहाँ पर 1190 डायल करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी न्यू KTM। एंड देखो ये व्हाइट कलर की आई है, बट इसका 3D मॉडल अवेलेबल नहीं है, मतलब कि हम इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। तो हमारी न्यू KTM का कलर चेंज नहीं हो सकता। एंड जो हमारी नेक्स्ट बाइक है वो है ड्यूक 4215। जैसे आप यहाँ पर 4215 डायल करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी ड्यूक। एंड इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो क्योंकि इसका 3D मॉडल हमारे इंडियन बाइक थ्रू ड्राइविंग 3D गेम में अवेलेबल है। देखो मैं आपको चेंज करके भी दिखा रहा हूँ। सो अभी आप देख सकते हो हमने अपनी ड्यूक का जो कलर है वो चेंज कर दिया। एंड अगली जो हमारी बाइक है वो है KTM बाइक, जिसका कोड है 1210। जैसे आप 1210 डायल करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी सिर्फ KTM। एंड इसका भी 3D मॉडल अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप इसका भी कलर चेंज नहीं कर सकते। एंड अगली जो हमारी बाइक है वो है पल्सर, उसका कोड है 1211211। जैसे आप डायल करोगे ये कोड आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी पल्सर। एंड इसका भी 3D मॉडल अवेलेबल है, आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। अभी मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूं। फिलहाल तो अभी हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में जितने भी टू व्हीलर व्हीकल्स है मैंने आपको वो सारे के सारे चीट कोड्स बता दिए हैं और वो सारे व्हीकल्स आपके सामने हैं। अभी आप देख सकते हो आपके सामने हायाबुसा, पल्सर, ATV, क्वाड बाइक एंड सारी की सारी बाइक्स आपके सामने अवेलेबल है। एंड इतनी सारी बाइक हैं जो कि अभी हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में अवेलेबल है। एंड हम इनकी टोटल संख्या निकाले तो हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में टोटल 21 बाइक्स अवेलेबल है। मैंने आपको सारी की सारी बता दी है एंड इसमें साइकिल को जोड़कर मैं बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको सारी कार्स के चीट कोड बता देता हूँ कि हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में अभी कितनी कार्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं वो कार्स बताऊंगा जो कि इस बार हमारे अपडेट में आई है। एंड जो हमारी कार है वो है स्कॉर्पियो क्लासिक एंड उसका कोड है 333, मतलब 333। जैसे आप टाइप करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक। एंड ये हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अपडेट में है एंड इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। एंड अगली जो हमारी कार है वो है स्कॉर्पियो S11 जिसका कोड है 444। जैसे आप यहाँ पर 444 टाइप करोगे एंड कॉल करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी स्कॉर्पियो S11। एंड इसका भी मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। एंड इसके बाद आप यहाँ पर कोड डालोगे 555। जैसे आप यहाँ पर 555 डालोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपका प्राइवेट प्लेन। एंड ये भी आएगा येलो कलर का, आप इसका कलर चेंज करके कोई सा भी कलर रख सकते हो। फिलहाल मैं इसका कलर यहाँ पर ग्रीन कर देता हूँ। ओके सो अभी मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया है। एंड अगली जो हमारी कार है उसका नाम है फॉर्चूनर एंड उसका कोड है 1000। जैसे आप यहाँ पर 1000 डायल करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी न्यू फॉर्चूनर। एंड पर्सनली रियल लाइफ में मुझे फॉर्चूनर बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड ये ब्लैक कलर की आती है। सो यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करके कोई सा भी कलर रख सकते हैं। फिलहाल तो इसके लिए आपको गली वाले ऑप्शन में जस्ट जाना
होगा। एंड अभी आप देख सकते हो मैं गैले वाले ऑप्शन में आके इसका कलर चेंज कर पा रहा हूँ। एंड उसके बाद अगली सबसे महंगी कार हमारी रॉयल्स रॉयस कार, एंड जिसका कोड है 2000। जैसे आप यहाँ पर 2000 टाइल करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी रॉयल्स रॉयस कार। एंड इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो, आप जो कलर रखना चाहो वो रख सकते हो। एंड मैंने यहाँ पर ये वाला कलर चूज कर लिया। एंड चलो अगली कार का कोड मैं आपको बताता हूँ। देन अगली कार का कोड आपको यहाँ पर डालना है 666। एंड जैसे आप कॉल करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी रेंज रोवर। एंड इसका भी कलर आप बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हो, जैसे अभी मैं चेंज कर पा रहा हूँ, आप भी चेंज करके ट्राई कर लेना। एंड अगली जो हमारी कार है वो है बुगाटी चिरोन, एंड जिसका कोड है 444, मतलब 4444। जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी ब्लैक कलर की बुगाटी चिरोन। एंड इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड यहाँ पर अगली जो हमारी कार है उसका नाम है बुगाटी V2, एंड जिसका कोड है 8000। जैसे आप 8000 टाइप करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी बुगाटी V2। एंड इसका भी कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। फिलहाल तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इसका कलर चेंज कर पा रहा हूँ। एंड अगली जो हमारी कार है वो है क्वैगनिसस कार, एंड इसका कोड है 9000। जैसे आप 9000 टाइप करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी क्वैगनिसस कार। एंड इसका भी कलर आप बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हो, फिलहाल मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने इसका कलर ये रख दिया है। एंड अगली जो हमारी कार है वो है ऑडी कार, एंड इसका कोड है 500। जैसे आप 500 टाइप करोगे वैसे ही आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी ऑडी कार। एंड अभी देख सकते हो ये रही आपकी ऑडी कार, एंड इसका मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। फिलहाल तो आपको यहाँ पर फोन निकाल के गैलरी वाले ऑप्शन में आना। एंड देखो मैंने इसका कलर चेंज व्हाइट फिर से रख दिया है। एंड अगली जो हमारी कार है वो है लैम्बोर्गिनी, एंड इस बार लैम्बोर्गिनी को चेंज किया गया है। इसका कोड है 3333, मतलब आपको 3333 टाइप करना है, आपके सामने आ जाएगी आपकी न्यू लैम्बोर्गिनी। इसका भी कलर चेंज बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो आप। एंड अगली जो हमारी कार है वो है लैम्बोर्गिनी V2, एंड इसका कोड है 7000, मतलब 00 है। एंड जैसे आप डायल करोगे 7000 आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी लैम्बोर्गिनी फेनानो। एंड देख सकते हो इसका भी कलर बड़ी आसानी के साथ आप चेंज कर सकते हो। एंड अगला जो हमारा व्हीकल है वो है हेलीकॉप्टर, एंड जिसका कोड है 8000। जैसे आप यहाँ पर 8000 टाइप करोगे आपके सामने स्पॉन हो जाएगा आपका जो हेलीकॉप्टर। एंड इसका 3D मॉडल अवेलेबल नहीं है, सो आप इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। सो अभी आप देख सकते हो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूँ। एंड अगली जो हमारी कार है वो आपकी मनपसंद कार है थार, तो उसका कोड है 9090। जैसे आप 9090 टाइप करोगे आपके सामने स्पॉन होके आ जाएगी आपकी थार। एंड ये महिंद्रा की थार है, एंड इसका कलर आप रख सकते हो जो मन हो वो रख सकते हो, ब्लैक एंड रेड ये सबको पसंद होती है, तो मैंने यहाँ पर रेड थार चूज करी है। एंड अभी हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम में इतनी सारी कार्स अवेलेबल है, एंड साथ ही साथ इतनी सारी बाइक्स भी अवेलेबल है, जो कि मैं आपको सारी की सारी बाइक एंड कार दिखा चुका हूँ। एंड अभी तक आपको मैंने जितने सारे चीट कोड्स बताए वो डायल करोगे आप कोई सा भी चीट कोड तो 100% आपके सामने वो बाइक एंड कार अवेलेबल हो जाएगी। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सी बाइक का कोड डाल रहे हो या फिर कौन सी कार का कोड डाल रहे हो। सो आपको मुझे ये बताना है कि अभी तक आपको ये चीट कोड पता थे या नहीं। अगर जो आपको पता थे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि यस मुझे पता थे। एंड अभी तक आपको ये कोड नहीं पता थे तो वो भी मुझे बता सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कि भाई अभी तक मुझे ये सारे चीट कोड नहीं पता थे, मैं बुरा बिल्कुल ही नहीं मानूंगा। एंड अभी आप देख सकते हो हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम में इतनी सारी बाइक्स अवेलेबल हैं, टोटल 18 पहले थी, अभी तो 21 बाइक्स अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको वो सारी बाइक का कलर चेंज करके भी दिखाया और ये भी बताया कि कौन सी बाइक का 3D मॉडल अवेलेबल है और कौन सी बाइक का 3D मॉडल अवेलेबल नहीं है। एंड चलो कुछ सुपर यूनिक से चीट कोड है उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से। जैसे आप यहाँ पर 00 टाइप करोगे आपके सामने फ्यूल टैंक आ जाएगा, एंड इसको आप ब्लास्ट कर सकते हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ब्लास्ट करना। एंड जैसे आप यहाँ पर 0 डायल करोगे पहले इसमें एक सिलेंडर आता था बट अभी 5 सिलेंडर आएंगे। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ आपके सामने 5 सिलेंडर आ चुके हैं। एंड इसको आप यहाँ से अभी एक चीट कोड और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी 2 चीट कोड है। एंड ये हमारा चीट कोड है मोर एन पी सी का 1 2 3 4 5। जैसे आप डालोगे आपके सामने मोर एन पी सी एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब रोड के किनारे किनारे। एंड जैसे आप 5 4 3 2 1 डायल करोगे आपके मोर व्हीकल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब आप ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हो 5 4 3 2 1 कोड का यूज करके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें इतनी सारी गन्स
भी अवेलेबल है। अब इसको आप अपने गैस सिलेंडर को ऐसे ब्लास्ट कर सकते हो जैसे मैं अभी ब्लास्ट कर पा रहा हूँ। एंड यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक सिर्फ ब्लास्ट करने के लिए मिलता है। एंड इन सभी का अपना कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता, बट यहाँ पर जो भी है बढ़िया यार। मुझे पर्सनली ये गेम काफ़ी तगड़ा लगता है, इसलिए मैं इस गेम को खेलता हूँ। सो अभी आपको ये गेम कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको ये गेम अच्छा है कि नहीं। एंड इसमें एक स्लो मोशन काफ़ी फीचर दिया गया है, आप चीट कोड के थ्रू भी स्लो मोशन कर सकते हो और यहाँ पर एक बटन है उसके थ्रू भी स्लो मोशन कर सकते हो। मैं चीट कोड को भी बताऊंगा अभी आपको कि चीट कोड कौन कौन से हैं एंड ये बटन कौन सा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड चलो मैं आपको नेक्स्ट चीट कोड के बारे में बताता हूँ कि हमारा नेक्स्ट चीट कोड कौन सा है और आपको कौन कौन सा चीट कोड अभी हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी गेम में बचे हैं जो कि जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो सबसे पहले आपको एक चीट कोड डालना होगा, वो सारे चीट कोड जानने से पहले 9129 एंड ये चीट कोड है इन्फिनिटी हेल्थ का। इसका भी अपना एक यूनिक सा मतलब है कि अगर जो आप ये चीट कोड नहीं डालोगे तो आपको मैं ऊपर उछालने वाला हूँ ना, ऊपर से नीचे गिरोगे तो आपकी हेल्थ जो है वो लो हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। एंड नेक्स्ट हमारा चीट कोड जो है वो यहाँ पर मैं डालने जा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट चीट कोड है वो डालोगे, जैसे आप यहाँ पर डालोगे 11 एंड 12, जैसे आप 11 12 डायल करोगे आपका स्लो मोशन एक्टिवेट हो जाएगा। ये लेवल 1 पर है एंड इसको आप 3 लेवल तक लेकर जा सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पर फिर से डाल के दिखाता हूँ 11 12, जैसे आप डायल करोगे आपका जो ये लेवल 2 है ये एक्टिवेट हो चुका है, आपका कैरेक्टर थोड़ा और स्लो वर्क करने लगेगा। एंड आप जैसे ही लेवल 3 डालोगे वैसे ही आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली बिहेव करने लगेगा, जैसे इस बटन से स्लोली बिहेव करता है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपका कैरेक्टर कितना ज़्यादा स्लो हो चुका है। अब आपको इस चीट कोड को जो है रिमूव करने के लिए, मतलब स्लो मोशन को रिमूव करने के लिए आपको फिर से यही चीट कोड डालना होगा, मतलब कि आपको 11 12 फिर से डालना होगा, आपका ये जो चीट कोड है वो हट जाएगा, मतलब स्लो मोशन ये जो हट जाएगा। आप बटन के थ्रू इसे स्लो मोशन में कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर डाल के, मैंने डाल दिया है एंड देखो हमारा जो स्लो मोशन का जो कोड था वो हट चुका, मतलब स्लो मोशन हट ही चुका है। एंड अगला जो चीट कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला चीट कोड आपको यहाँ पर फोन निकाल के यहाँ पर डायल करना है, तो मैं यहाँ पर डालने जा रहा हूँ अगला चीट कोड जो कि है 200। बट ये कोड बैक का था और अभी इसे रिमूव कर दिया गया, बट अभी रोहित गेमिंग स्टूडियो ने इसे प्ले स्टोर से हटाया नहीं है, इसलिए सभी को प्रॉब्लम आ रहा है कि बैक का चीट कोड भी है शायद। सो बैक का चीट कोड नहीं, उसे हटा दिया गया है और साथ ही साथ हमारी जो वैगन आर कार थी उसको भी हटा दिया गया है। ओके सो अभी आप लोग टेंशन मत लेना कि वैगन आर कार को हटा दिया गया तो उसके बदले कुछ ऐड नहीं किया गया, ऐड भी किया गया। सो अगला जो चीट कोड है वो है, फिर से मैं बैक का चीट कोड आपको डाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा। सो अगला चीट कोड हमारा जो है वो है हमारे न्यू स्किन टैटूज का, बट हमने टैटूज तो बना ही रखे हैं सो वो वर्क नहीं करेगा। सो स्किन टैटू का जो चीट कोड है वो है 002। सो जैसे आप 002 डायल करोगे आपके स्किन पर टैटूज नहीं रहेंगे तो वो आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट चीट कोड हमारा जो है वो आपको यहाँ पर डायल करना है 7112 एंड ये जो है ये मून ग्रेविटी का कोड है। अब मून ग्रेविटी क्या होती, मतलब ग्रेविटी को ये समाप्त कर देता है, आपकी ग्रेविटी नहीं रहती, आप ऊपर से गिरोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्लोली गिरोगे या फिर गिरो ही ना। सो यहाँ पर मैंने एक्टिवेट कर दी है बट अभी यहाँ पर कुछ आपको शो नहीं होगा, आपको 7112 डायल करना है एंड यहाँ पर अभी कुछ शो नहीं हो रहा। चलो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपकी समझ में आएगा। देन इसके लिए मैं यहाँ पर सुपर जंप का कोड डालूंगा या फिर कुछ नेक्स्ट लेवल करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं डालूंगा यार सुपर जंप का कोड। सो उसका कोड है 1215। जैसे आप 1215 डायल करोगे एंड यहाँ पर आप आगे वाला बटन प्रेस करके इस पर 2 बार टैप करोगे वैसे ही आप ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऊपर उछल जाओगे। एंड देखो अब मैं कितनी स्लोली गिर रहा हूँ। अगर जो हमारा मून ग्रेविटी का कोड एक्टिवेट नहीं होता तो मैं धड़ाम से नीचे गिर जाता, मतलब इकट्ठे ही नीचे गिर जाता। एंड यहाँ पर देखो मैं काफ़ी ज़्यादा स्लोली गिर रहा हूँ, मतलब कि ये सब कमाल मून ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, उसने ग्रेविटी ही ख़त्म कर दी है। सो ये जो चीट कोड है ये भी काफ़ी तकड़ा है, जिससे हमारे जो कैरेक्टर है उसका जो हेल्थ नहीं कम होता है, उससे हमारा कैरेक्टर सेफ रहता है, उसकी डेथ नहीं होती। सो ये जो चीट कोड आप लोग ट्राई कर सकते हो जिसका कोड है 7112 एंड आप सभी लोग ट्राई करके देख लेना, फिलहाल तो मैंने आपको दिखा दिया। एंड अगला जो चीट कोड आप यहाँ पर डालोगे 1216 एंड ये अल्ट्रा सुपर जंप का कोड है। सो अभी आप लोग फिर से वही प्रक्रिया दोहराओगे तो ये और भी ज़्यादा ऊपर आपको लेकर जाएगा, बट यहाँ पर मैं और ऊपर जाना नहीं चाहता और यहाँ पर मैं आपको अगला जो चीट कोड है वो बताना चाहता हूँ। सो यहाँ पर आपको चीट कोड डालना है 600। जैसे आप यहाँ पर 600 टाइप करोगे आपके सामने आपका एक डॉग आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं उसका कोड डाल के आपको दिखा देता हूँ कि आप 600 डायल करोगे तो आपके सामने आएगा क्या चीज़। सो यहाँ पर आप 600 डायल करोगे आपके सामने एक डॉग आ जाएगा, ये ब्लैक कलर का। एंड मैंने आप
आपको इसको पहले नहीं बताया क्योंकि अगर जो ये पहले आ जाता ना तो हमारी जो कार एंड बाइक थी उनको ये हटा देता, मतलब जहाँ पर हमारा कैरेक्टर रहता है ना ये कुत्ता वहीं पे आता है। सो इसलिए मैंने आपको ये पहले नहीं बताया, बाद में बता रहा हूँ। ओके, एंड अगला जो हमारा कोड है वो है स्काईफॉल का। सो यहाँ पर मैं अगला जो कोड है वो डालने जा रहा हूँ 1120। एंड जैसे मैं 1120 डाल करूंगा हम बहुत ही ऊपर से नीचे गिरेंगे। एंड ये तब काम आता है जब हमारी इन्फिनिटी हेल्थ ऑन रहती है 9129 वाला, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसे ऑन कर लेना स्टार्टिंग में ही। अगर जो ये ऑन नहीं रहती तो हम नीचे गिरते तो मर जाते, बट अभी हम मरेंगे नहीं क्योंकि हमारी जो इन्फिनिटी हेल्थ है वो ऑन है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको इन्फिनिटी हेल्थ ऑन रखना है एंड उसके बाद ये वाला कोड ट्राई करना, नहीं तो आपकी डेथ हो जाएगी। एंड ऑलमोस्ट अभी हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम में जितने भी चीट कोड मिलते हैं मैंने आपको सारे के सारे चीट कोड बता दिए हैं। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड मैंने एक एक चीज आपको बाई स्टेप बताया है कि कौन सी फीचर कहाँ पे वर्क करती है एंड कैसे कलर चेंज करना है एंड कौन सी चीज का चीट कोड क्या है। सो सारे के सारे चीट कोड मैंने आपको बता दिया है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बाकी जो मन करे कर देना। एंड हाँ यार सॉरी, इस वाले वीडियो में आपके कमेंट का शाउट आउट नहीं दे पा रहा क्योंकि ऐसे ही वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है एंड और भी अगर जो मैं लंबा करूंगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कुछ भी पसंद आओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाकी जो मन करे कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।